यहाँ पे मिठाई खा लिया, बहुत स्वादिष्ट मिठाई था, तो मन भर गया खा के कहीं मिठाई। देखिए मेरा भाई आया है तो आप मिठाई खाई, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा ना, बहुत अच्छा क्वालिटी है जो बिहार से बाहर का मिठाई है ना। तो चलिए देखिए आप अंकल जी इनसे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे मिठाई खाया ना जी? हाँ भाई खाया है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, जी हाँ। अभी आप लोग देख रहे हैं धर्मेंद्र दीवाना देहाती न्यूज को। तो आज हम गया में, गया से चल के पंचानपुर में आए हैं जहाँ पे मशहूर पंडित जी का दुकान है। तो आप लोग देखिए, हम बोर्ड पे पहले दिखलाते हैं, यहाँ पे एक किलो केजी का भी मिठाई मिलता है। तो कैमरामैन इधर फोकस करो, देखिए एक केजी का भी यहाँ पे मिठाई मिलता है और बहुत तरह के यहाँ पे मिठाई मिलता है। तो चलिए वहाँ पे हम आप लोग को लाइव दिखा दें। तो कैमरामैन इधर फोकस करो, पहले यहाँ पे दिखा दो कि हम कहाँ पे खड़ा है, होटल के पे आ चुके हैं। चलो कैमरामैन चलो, देखिए हम दिखलाते हैं कितना यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे मिठाई है। गया का फेमस मिठाई मानते हैं यहीं के, आप खा चुके हैं। तो चलिए कैमरा फोकस करो, देखिए इसे फोकस करो, एक केजी का मिठाई आप लोग देख सकते हैं। अच्छा से दिखला दो और इधर दिखला दो कि कितना अच्छा अच्छा मिठाई है, आधा केजी का है। तो आप यहाँ पे मिठाई खाए हैं? हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा क्वालिटी है जो बिहार से बाहर का मिठाई है ना। तो चलिए देखिए आप अंकल जी इनसे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे मिठाई खाया है? हाँ भाई खाया है, रोज। कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, तभी ना तेरे खाए। तो देखिए आप अंकल जी बोल रहे बहुत अच्छा लगता है, हम भी खाए हैं। तो यहाँ पे जो मिठाई है ना, यहाँ पे एक बार जो खा लेगा इसको नाम ही भूलेगा, पंडित जी का दुकान का मिठाई। कभी हम मिठाई खाए हैं तो आप लोग भी कभी पंचानपुर में आए तो ये होटल में जरूर यहाँ पे आए दुकान पे और जरूर एक बार मिठाई खाएं। तो देखिए यहाँ पे भाई लोग पूछते हैं, आइए ना भाई, आइए ना। सबसे पहले हम खुद यहाँ पे खा के देखते हैं, पहले भी खाए हैं बाकी यहाँ पे पीना खाते हैं। ठीक है कैमरा मैन इधर फोकस करो, एक 25 बार हम पहले खाते हैं। तू खा चल रहा है खाली छोड़ दो, एक पर हम लोग मोबाइल वो ना 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 की है वो तो अपने खाली सलाह दे दीजिए ना पहले। तो आप लोग बने रही लगातार वीडियो, पहले हम खा के दिखलाते हैं कि कैसा आप क्या लगता है। आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पे खाइए। ये भाई इसे पूछो ना भैया, सर भाई दीजिए पहले यहाँ पे कटवाने पड़ता है पर्ची। देखिए पर्ची कट गया है 25 वाला, जहाँ पे आप पहले लेते हैं। आप लोग लगातार वीडियो बने रहिए, कितना जहाँ जहाँ अभी ठंडा के मौसम है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है और सुबह सुबह एक टाइम है। तो देख लीजिए हमको 25 वाला मिठाई मिल चुका है। तो देखिए मेरे पहले खाते हैं, आप लोग बने रहिए कैमरा मैन सही से दिखला दो फोकस करके। ऐसा मिठाई गया पहले खेले नहीं किए हैं, जैसा आपने मिठाया कैमरा फोकस करके खिला दो। यहाँ पे मिठाई खा लिया, बहुत स्वादिष्ट मिठाई था, तो मन भर गया खा के कहीं मिठाई। देखिए मेरा भाई आया है तो यहाँ पे मिठाई खाई, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा ना, एकदम सुपर मिठाई है जी, सुपर से ऊपर है। तो चलिए कैमरा बार अब भरा फोकस कर दो बाहर से। गया से 20 किलोमीटर दूरी पर यह पंचानपुर है। तो आप लोग कभी गया में आइएगा ना, तो गया के जैसे फेमस तिलकुट है ना, उससे ज़्यादा हमको लगता है ना यहाँ पे की मिठाई है। खाए वाला सब पूछ लिए हैं और कुछ है तो आइए। देखिए हमें भाई कह रहे हैं यहाँ पे खा रहे हैं पब्लिक, तो उनसे पूछते हैं। तो आप लोग बने रहिए लगातार वीडियो में, देखिए यहाँ पे हमारे अंकल जी खा रहे हैं यहाँ पे मिठाई, तो उनसे पूछते हैं कि मिठाई का स्वादिष्ट कैसा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? देखिए मुर्सी से आए हैं मिठाई खाने के लिए, एक मेरे भाई। तो चलिए इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं? भोरी। तो देखिए हमारे भाई भोरी से आए खाने के लिए मिठाई, खास करके मिठाई खाने के लिए आए हैं। तो आप लोग भी आइए और आनंद से एकदम मिठाई यहाँ पे खाइए। तो याद कीजिए कि नहीं कहीं के मिठाई खाए, हमारा गया जिला में ऐसा ऐसा मिठाई बन रहा है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा।